हमको लगता है वहां हम पहुंचे तो उसको एहसास हो गया होगा कि हम आ गए हैं। घर दोस्त से मिलने और वहाँ उनसे मिलने तो नहीं दिया गया क्योंकि वो क्वारंटीन है। अभी क्वारंटीन 15 दिन बाद जब जाएंगे ख़त्म होगा समय तो मिलाया जाएगा हमसे, सीसीटीवी कैमरा में दिखाया गया और हमको लगता है वहाँ हम पहुँचे तो उसको एहसास हो गया होगा कि हम आ गए हैं। सबसे ज़्यादा धन्यवाद और बधाई आरिफ को दूंगा कि जब सारस घायल हुआ, चोट लगी उसके पैर में, उड़ नहीं पा रहा था, उस समय सबसे ज़्यादा सेवा करना, उसका इलाज कराना, मदद करना, ये आरिफ ने किया। और क्योंकि आज के समय पर हर चीज़ लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छी चीज़ को दूसरे तक पहुँचाना चाहते हैं, तो हो सकता है आरिफ से ये गलती हुई हो कि वीडियो बना करके और उसकी कुछ रिकॉर्डिंग कर करके लोग जाने कि देखिए एक पक्षी और एक इंसान के बीच में कैसे रिश्ता डेवलप हो सकता है। कम से कम वन विभाग के और जानकार लोगों को जो एक्सपर्ट हैं बर्ड्स में, उनको इस पर स्टडी करनी चाहिए थी कि आरिफ की काबिलियत और आरिफ की सूझबूझ ने एक सारस को अपना मित्र बना लिया और मित्र बना करके उसके साथ रहने लगा सारस।